मिर्जापुर देहात कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली विधवा महिला को अपनी नाबालिग पुत्री की खोज में समस्त कानूनी प्रक्रिया करने के उपरांत भी जब सफलता नहीं मिली तो अपने शुभ चिंतकों के साथ मंदिरों की शरण में दिखाई दी। दरअसल इस मां का आरोप है कि इसकी नाबालिग पुत्री को गांव के ही युवक बहला फुसला कर एक सहेली के माध्यम से भगा कर ले गए। हालांकि महिला की तहरीर पर देहात कोतवाली पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए प्रार्थना पत्र के मुताबिक नामजद मुकदमा कायम कर लिया है, लेकिन घटना के लगभग 21 दिन बीत चुके हैं और अभी तक लड़की की बरामदगी नहीं हो पाई है। इससे क्षुब्ध परिजनों ने भगवान का सहारा लेना शुरू कर दिया है। गायब हो गई उनके साथ में लड़की, नाबालिग है लड़की हमारे, एक महीना से हम ढूंढ रहे मिलन नहीं है। फाई आर हुआ सगर गई, हमने 20 लगभग थाने गए, चौकी गए, कोई सुनवाई नहीं। एफसी के यहाँ गए, जीएफसी के यहाँ गए, कोई सुनवाई नहीं होता है। 17 मई को गांव के ही तीन लड़के और जिसमें एक लड़की भी है, लड़की इसके साथ पढ़ती थी, जब कविता भतीजी हमारी है उसके साथ पढ़ती थी, और ये तीनों लड़के मिलके 8 से 9 बजे रात भगाए हैं सर। और अभी तक हम लोग चौकी, थाने, आईजी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ और दो दो डीएम साहब के यहाँ 3-3 बार हम लोगों ने मतलब ज्ञापन दिया है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस यहीं जाने पर लोग यही कहते हैं कि बस 2-3 दिन में कार्रवाई हो रही है, फिर साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है। अभी तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है।